हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गौरव और आज की वीडियो रिलेटेड है यूएसआईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग से। ये वीडियो दो टाइप के लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। पहला, जिन्होंने यूएस स्टाफिंग नया ज्वाइन किया है एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर ट्रेनिंग, एंड सेकंड वन जिन्हें नई जॉब के लिए अप्लाई करना है एंड दोज हु आर लुकिंग फॉर रिविजन। सो ट्रेनिंग आईटी रिक्रूटर, द टॉपिक्स आर अबाउट यूएस स्टाफिंग, यूएस ज्योग्राफी, टाइम जोन्स, USCIS, वीजास, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टैक्स टर्म्स, बुलियन सर्च एंड स्ट्रिंग्स। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएस स्टाफिंग। यूएस स्टाफिंग मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड क्लाइंट्स, सिस्टम इंटीग्रेटर, इन्हें हम इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स भी बोलते हैं और इन्हें हम क्लाइंट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, TCS, विप्रो, एक्सेंचर, एंड द लास्ट वन इज वेंडर, जो कि हमारा जॉब टारगेट है, जहाँ पे हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिन्हें हम स्टाफिंग कंपनीज बोलते हैं। होता क्या है कि कोई एंड क्लाइंट है, सपोज गूगल ले लिया, इसमें से हमने TCS ले लिया और इसमें से हमने कोई भी स्टाफिंग कंपनी ले ली। गूगल को अपना कैलिफोर्निया में कोई प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कराना है, वो TCS से बोलेगा कि हमें ये कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है, इसे इम्प्लीमेंट करना है। TCS अपने किसी वेंडर से बोलेगा कि हमें कैलिफोर्निया में इस तरह के बंदे ढूंढ के दीजिए। सो ये स्टाफिंग कंपनी TCS को बंदे ढूंढ के देगी और वो बंदे TCS के थ्रू गूगल के लिए काम करेंगे। सो दिस इज US स्टाफिंग। द नेक्स्ट वन इज US ज्योग्राफी। देयर आर 50 स्टेट्स एंड वॉशिंगटन DC इज द कैपिटल। सो दीज आर द 50 स्टेट्स। मैं कुछ ये जो हाईलाइटेड नेम्स हैं इनको प्रोनाउंस करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट है, बाकी ये सिंपल है, आप इजिली इन्हें रीड कर सकते हैं। सो इट्स अर्कैनसस AR, कनेक्टिकट CT, इलिनॉय IL, लुइजियाना LA, मैसाच्यूसेट्स MA, मिसिसिपी MS, न्यू हैम्पशायर NH, ओहायो OH एंड टेनेसी TN। सो दीज आर द 50 स्टेट्स एंड वॉशिंगटन DC इज द कैपिटल। द नेक्स्ट वन इज टाइम जोन्स। आप देख सकते हैं 50 स्टेट्स है, इतना बड़ा है। सो इसको कुछ 7 या 8 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। मेन जो हम काम करते हैं वो इन 4 टाइम जोन्स में काम करते हैं। पहला ईस्टर्न टाइम जोन, दूसरा सेंट्रल, देन माउंटेन, देन पैसिफिक। इन चारों टाइम जोन्स में एक एक आर का डिफरेंस होता है, इधर 5, 4, 3, 2। इन्हें अगर हम कंपेयर करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, IST से, सो ये जो पैसिफिक है वो IST से 12.5 घंटे पीछे है। मतलब अगर यहाँ 1 तारीख के या 2 तारीख के 2:30 AM बज रहे हैं, मतलब रात के 2:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर पिछले दिन के यानी कि 1 तारीख के दोपहर के 2 बज रहे होंगे। सो ऐसे ही आगे +1 आवर 3 PM, +1 4 PM एंड इट्स 5 PM। सो EST इज 9.5 आवर बिहाइंड IST एंड PST इज 12.5 आवर बिहाइंड IST। इसे आप सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं, या मतलब याद करने का तरीका है कि अगर हमें PST को कंपेयर करना है IST से, सिंपल यहाँ पे जितने भी बज रहे हैं उसका आधा घंटा माइनस कर दीजिए, 2:30 बज रहे हैं, आधा घंटा माइनस कर दीजिए, 2 बजेंगे, और इस AM को रिप्लेस कर दीजिए PM से। यहाँ PM हो तो यहाँ AM, यहाँ AM हो तो यहाँ PM। सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं और फिर किसी भी जोन का टाइम निकाल सकते हैं +1 आवर करके। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी USCIS। USCIS स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस। USCIS इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS दैट एडमिनिस्टर्स द कंट्रीज नेचुरलाइजेशन एंड US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस सिस्टम। सिंपली USCIS वह अथॉरिटी है जो वीजास को ऑथराइज करती है US में। द नेक्स्ट वन इज वीजास। आप देख सकते हैं कि US में बहुत सारे वीजास होते हैं। देयर आर अबाउट 185 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजास। वी मेजरली वर्क विद फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वीजास। हम US स्टाफिंग में, हम इन जो वीजास की बात कर रहे हैं वो US स्टाफिंग से रिलेटेड है। हम कुछ वीजास के साथ काम करते हैं, मेजरली H1B होता है, CPT होता है, OPT होता है, TN होता है और L1 होता है, और हम ग्रीन कार्ड और सिटीजन के लिए इसके साथ भी काम करते हैं, लेकिन वो इससे अलग है। सो द H1 इज इन दिस एन US एम्प्लॉयर कैन टेम्परेली
employ a foreign worker, it is basically for 3 years and can further extend it to 3 more years. In this H1, एक US employer किसी भी foreign employee को hire कर सकता है 3 साल के लिए और उसका visa 3 साल के लिए और extend किया जा सकता है. Next one is CPT. You can work after 9 months of entering US. You have to work with a school to get CPT. आप US में enter करने के 9 महीने बाद काम कर सकते हैं और आपको CPT लेने के लिए किसी school के साथ काम करना पड़ेगा. Basically इसे हम internship कह सकते हैं. Typically it is called internship. You can work with until you can work until your graduation is completed. You cannot work more than 12 months. आप 12 महीने से काम नहीं कर सकते हैं 12 महीने से ज्यादा. The next one is OPT. OPT जो है वो CPT के बाद मिलेगा. A student can work in OPT after graduating from school. एक स्टूडेंट को OPT जब मिलेगा जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा किसी स्कूल से. You have to apply USCIS to work in OPT. आपको USCIS में अप्लाई करने पड़ेगा OPT लेने के लिए. You have to apply before 6 months of completion of your graduation. आपकी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने से 6 months पहले आपको OPT के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. Its validity is 12 months and you can get extension of 17 months in OPT rule. इसकी 12 महीने की validity है और आप extension करके इसे 17 months कर सकते हैं OPT rules के according. So the next one is TN visa. TN visa is especially for citizens of Mexico and Canada. Its validity is of 3 years. The next one and last is L1. It is a document used to enter the US for the purpose of work in L1 states. L1 states is this is for intra-company visa. So it is a non-immigrant visa. Its validity for 3 months to 5 years with the maximum extension of 2 years. Intra-company visa means suppose आप इंडिया में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, suppose TCS में काम कर रहे हैं और आप US में जा रहे हैं उसी कंपनी के थ्रू और उसी में काम करने के लिए, that's called intra-company visa and that is L1 state. So the next topic will be types of employment. आप कहीं भी काम कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में देखते हैं कि 3 तरह की employments होती है हमारी, contract to hire और C2H and the next one is full-time and permanent. So contract, that means आप किसी भी कंपनी में लिमिटेड टाइम के लिए काम कर रहे हैं, सपोज 6 months, 1 year, 2 year. Next one is contract to hire, that means कंपनी आपको कुछ महीने के लिए पहले चेक करती है, अगर उसे लगता है कि हाँ आपका काम करना बेनिफिशियल है कंपनी के लिए वो आपको फुल टाइम हायर कर लेती है. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट टू हायर और C2H. द नेक्स्ट वन इज फुल टाइम और परमानेंट. कोई कंपनी आपको सीधा अपना फुल टाइम एम्प्लॉय बना लेती है, परमानेंटली आपको अपना एम्प्लॉय बना लेती है. The next one is tax terms. There are 3 tax terms, W-2, 1099 and COP-to-COP. Mostly, जो हम काम करते हैं वो COP-to-COP पे करते हैं या W-2 पे करते हैं. COP-to-COP में थोड़ा सा इजी है, W-2 में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी कम हो जाती हैं. W-2 हम सिर्फ GC या citizen के साथ कर सकते हैं या GC EAD के साथ कर सकते हैं या फिर 1-2 वीजास के साथ और कर सकते हैं, लेकिन कॉप टू कॉप हम किसी भी वीजा के साथ कर सकते हैं. सो W-2 कैंडिडेट्स वर्क एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टेक केयर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टैक्स. कैंडिडेट किसी भी कंपनी के लिए एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय वर्क करेगा और वही कंपनी उसके टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. द नेक्स्ट वन इज 1099. कैंडिडेट विल वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ कंपनी फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एंड पे हिज टैक्सेस बाय सेल्फ. 1099 में क्या होगा कि कैंडिडेट किसी कंपनी के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा किसी लिमिटेड पीरियड के लिए और अपने टैक्सेस खुद पे करेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज C2C विच इज ऑल्सो नोन एज कॉप टू कॉप, दैट मीन्स कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी, क्लाइंट कंपनी एंड अनदर कंपनी कॉल्ड वेंडर कंपनी. कैंडिडेट विल वर्क विद द क्लाइंट एंड द क्लाइंट सेंड 1099 फॉर्म टू द वेंडर. दैट मीन्स क्लाइंट विल send the 1099 form to the vendor of this candidate. The next is boolean search. Boolean search क्या होती है कि हम जैसे कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे या कहीं पर भी हम कुछ डालते हैं, that's called, अगर हम उसको इन ऑपरेटर्स के साथ सर्च करते हैं एंड और नॉट. सो a type of search allowing users to combine keywords with operators such as and or and not.
टू फर्दर प्रोड्यूस मोर रेलेवेंट रिजल्ट. सिंपली जैसे हमें कोई सपोज वी आर लुकिंग फॉर सैलून इन नोएडा, सो वी पुट सैलून एंड नोएडा, तो हमारा क्या होगा कि जो रिजल्ट्स आएंगे वो नोएडा के सारे सैलून्स आ जाएंगे. सेम उसी तरीका से हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं अपने कैंडिडेट्स को सर्च करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम कोई ऑटोमेशन टेस्टर सर्च कर रहे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि हम ऑटोमेशन टेस्टर्स को और क्या क्या किस किस तरीके से लिख सकते हैं. सपोज क्यूए लिख सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस लिख सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट लिख सकते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर लिख सकते हैं. सो जो जो हम इनमें से हमें मतलब कोई भी एक चीज चाहिए, बंदे ने कुछ भी लिखा होगा क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एनालिस्ट ऑटोमेशन टेस्टर, और यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे. सो इनमें से कुछ भी होगा तो उनके लिए हमने और लगा दिया. और का मीन्स है या, इनमें से कुछ भी चलेगा. एंड फिर आता है हमारा एंड. एंड का मतलब है कि ये भी होना चाहिए. एंड सीक्वल एंड एजाइल एंड स्क्रम एंड रेस्ट एंड सोप एंड जावा, ये सब होना चाहिए, इनमें से कुछ भी होगा. नेक्स्ट एग्जांपल इज स्ट्रिंग फॉर यूआई डेवलपर. सपोज हमें यूआई डेवलपर चाहिए तो यूआई डेवलपर में हम यूआई डेवलपर लिख देंगे, या यूएक्स डेवलपर हो, या यूआई यूएक्स डेवलपर हो, या फ्रंट एंड डेवलपर हो, या वेब डेवलपर हो, या यूआई डिजाइनर हो. इनमें से बंदे ने रेज्यूमे में कुछ भी नाम लिखा होगा वो निकल के आ जाएगा. अब इसके साथ सपोज हमें एंगुलर भी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, तो हम यहाँ एंड जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर इस तरीके से लिख देंगे. सो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपको यूएस आईटी रिक्रूटर की ट्रेनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडिडेट्स को सर्च कैसे करते हैं, वो चाहे जॉब डीवा के थ्रू बताऊं, चाहे मॉन्स्टर के थ्रू बताऊं, चाहे डाइस के थ्रू बताऊं. So please subscribe my channel and wait for my next video in which I will tell you how to search candidates on Job Diva and do other things on Job Diva. Thank you. Thanks for watching. Have a great day. Bye-bye.